बेटी को उठाया और ले जाकर गड्ढा खोदने लगा। बेटी कहती है, बाबा ये किसके लिए गड्ढा खोद रहे हो? कहा तेरे लिए। कहा क्यों? अत तू दुनिया में रहेगी, परवरिश करूंगा, पैसे खर्च होंगे, मेहनत लगेगा और तुम्हारा हाथ कोई दूसरा पकड़ के ले जाएगा। मुझे खुसर कहेगा, मेरे बेटों को साला कहेगा, जिंदगी भर गालियां कौन सुनेगा? ना तू जिंदा रहेगी, ना हम ससुर बनेंगे, ना हमारे बेटे साले बनेंगे। इसलिए तू दुनिया में जहमत बनकर आई, हम तुझे जहमत बन जहमत तुमको अपने घर में रखना नहीं चाहते, तुम्हें हम जिंदा बनकर रखना चाहते हैं। बताइए किसी बेटी के साथ बाप इस तरह कहे तो उस बेटी के दिल पे क्या गुजरेगा? साहब रात दुनिया में बताना चाहता हूं, बेटी रोने लगी, बाबा मुझे मत मारो, मैं तुमसे किसी चीज की फरमाइश नहीं करूंगी, खाना नहीं मांगूंगी, पत्तियां खाकर अपनी जिंदगी बसर करूंगी, कपड़ा नहीं मांगूंगी बाबा, इन पत्तियों से अपना बदन छुपा लूंगी, बाबा मुझे मत मारो। लेकिन वो जालिम इतना बड़ा जालिम था कि गड्ढा खोद कर अपनी बेटी को उसी में डाल दिया, मट्टी पाटने लगा, बेटी चिल्लाने लगी, हाय कोई जो बचा ले। कुछ नौजवान आए, खड़े हो गए, ऐसा भी क्या कर रहे हो? कहा कि तुम क्यों रोकते हो, तुम तो खुद बेटियों को दफनाने वाले हो, हटो। बताइए कि साहब जो जुल्म करता हो वो आकर रोके तो कोई इंतजार करेगा? हट गए सारे के सारे, तमाशाई बन गए। बेटी देखती है कि जो बचाने के लिए आए हुए हैं वो भी खड़े होकर तमाशाई बन गए, हाथ उठाती है, हे परवरदिगारा, हे मेरे महबूब, हे जन्मदाता, वो कहां है तेरा रसूल जिसके बारे में इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बताया, मूसा पैगंबर ने सुनाया, ईसा रूहुल्लाह ने कहा, आखिर नबी दुनिया में आएंगे, बेटियों के जिंदा होने से, जिंदा तरबर होने से बचाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर वो आ गए हैं तो भेज, मेरी जिंदगी बच जाए। मेरे मुस्तफा अपने घर में हाथ का तकिया लगा कर सोए थे, चटाई पे सोए, खड़े हो गए, जब चले दुनिया देख के कह रहे कहां जा रहे हो, दुनिया देख के पूछ रहे कहां जा रहे हो, यहां तक क्या लोगों पुकार के लोग कहने लगे, ये जो जा रहे हैं उम्मत के गमखार हैं, ये जो जा रहे हैं नायबे परवरदिगार हैं, ये जो जा रहे हैं गुलशन हस्ती का वली फसले बहार हैं, ये जो जा रहे हैं तमाम नबियों के सरदार हैं। मेरा रसूल पहुंचा, उसके बाजू को पकड़ लिया, कहा कि जालिम तुम बेटी को दफना रहा है, तुम अपनी पुत्री को जिंदा दरबार कर रहा है। वो कहता है कि तुम कौन होते हो रोकने वाले, तुम कौन होते हो रोकने वाले? मेरे पैगंबर ने फरमाया तुम कौन होते हो बेटी को दफनाने वाले? उसने कहा कि मोहम्मद ने बता दूं मैं कौन हूं, बता दूं? मेरे नबी ने फरमाया बता दो कौन हो तो मैं बताता हूं मैं कौन हूं। कहा कि मैं इसका बाप हूं, ये मेरी बेटी है। मेरे नबी ने फरमाया मैं रसूल पाक हूं, ये उम्मती मेरी है, उम्मती मेरी है। अगर तू सालिम बेटियों को दफनाने वाला है तो मैं मोहम्मद बेटियों को बचाने वाला है। रात उस गड्ढे से बेटी को निकाला, मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेटी तुम अपने बाप के साथ चलोगी या मेरे साथ चलोगी? और छोटी सी बच्ची कहती है या रसूल अल्लाह, इस सालिम बाप के साथ नहीं जाऊंगी, मैं रहमत वाले रसूल पाक के साथ चलूंगा।